सिंपल रूल है, आइदर इट्स ब्लैक और इट्स वाइट। कहीं भी इन्वॉल्व होगा, किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होगा, किसी वर्क में इन्वॉल्व होगा, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा, पूरा इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि आधे मन से मन मार के कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चल रहा है, चलता है ना, ये वाला एटीट्यूड इग्निशिया में कभी नहीं मिलेगा। चलता है ना, करना है एकदम परफेक्शन के साथ, करना है आइडियल तरीके से करना है। इग्निशिया का एक ये रूब्रिक भी है, आइडियलिस्टिक इग्निशिया में इग्निशिया का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, जिससे इग्निशिया की पूरी पिक्चर, मतलब उसके बारे में ना बहुत कुछ समझा जा सकता है। डिल्यूजन शीज मैरिड, डिल्यूजन शीज मैरिड, ऑब्वियसली ये रूब्रिक वहां लागू नहीं होगा जो ऑलरेडी मैरिड है। इग्निशियाज आर सो पैशनेट, सो इमोशनल, ये कभी अगर रिलेशनशिप में बाउंड भी होते हैं तो इनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट 100% होता है, फुल्ली इन्वॉल्वमेंट, कोई पार्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं, 100% इन्वॉल्वमेंट। और 100% इन्वॉल्वमेंट होता कैसे है कि उस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई जो भी आपके दायित्व हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो सब आपको करना ही है। इग्निशियास के साथ सपोज अगर हमको इग्निशिया का कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जो किसी वजह से परेशान है, उसका कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, या उतना इन्वॉल्वमेंट सामने वाले की तरफ से नहीं है, या सिचुएशंस जो हैं वो बहुत टफ हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व है ये क्या मान के चलेगा, इफ आई एम इन्वॉल्व इट्स माई कमिटमेंट, जैसे कि मैं मैरिड ही हूं, मेरी शादी हो चुकी है, और शादी भी कैसी, आइडियलिस्टिक शादी। बहू कैसी बनेगी, आइडियलिस्टिक बनेगी। वाइफ कैसी बनेगी, आइडियलिस्टिक बनेगी। हस्बैंड कैसा बनेगा, आइडियलिस्टिक बनेगा। हर वो चीज जो उम्मीद की जा सकती है वो फुलफिल करने की कोशिश, दैट इज द आइडियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ इग्निशिया। पैशनेट, कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स, हर छोटी छोटी चीज के लिए ध्यान देने वाले, किसी भी चीज को हल्के में ना लेने वाले। आर्डेंट कैरेक्टर की, ये क्लियर हो गया। और सिमिलर रूब्रिक जो भी होंगे हम एक और क्लास करेंगे रूब्रिक्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास, इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे जब हम कोई केस डिस्कस करें तो हम रेमेडीज और रूब्रिक्स को थोड़ा सा वैरायटी में डिस्कस कर लें, ताकि अब जो केसेस आएंगे उनमें हम उसमें से कोई रूब्रिक लगा पाए, है ना। हम रैंडम रूब्रिक पे नहीं जाएंगे, कि अच्छी बात है, उसके बाद भी अगर हमको कुछ और नए रूब्रिक समझ में आते तो और भी अच्छी बात है। और बेसिक जो नियम हम आज समझें उसका ध्यान रखेंगे, उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, अब की बार कोई नई गलती करेंगे, ये वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे।